इन्फोकेयर इंफ्रा लिमिटेड के खिलाफ निवेशकों व विक्रेताओं ने दिया उपजिलाधिकारी को ज्ञापन। आज संपूर्ण समाधान दिवस में इन्फोकेयर इंफ्रा लिमिटेड व अभी भी नगर में चल रही अन्य चिटफंड रियल एस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ निवेशक व विक्रेताओं ने सौंपा उपजिलाधिकारी को ज्ञापन। आपको बता दें, ज्ञापनकर्ताओं ने बताया इन्फोकेयर इंफ्रा लिमिटेड नाम की कंपनी जिसमें करीब 3400 अभिकर्ताओं व 40,000 निवेशकों का पैसा जमा था, उनका पैसा लेकर कंपनी भाग गई है तथा चल रहे कार्यालयों को भी काफी पहले बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अभिकर्ता व निवेशक अपना पैसा पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ज्ञापनकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी पलिया को बताया कि इन्फोकेयर कंपनी ने 3.5 एकड़ का एक प्लॉट ग्राम एडपुर में खरीदा था, जिसका गाठा संख्या 583 व 585 है, जिस पर कुछ लोगों का कब्जा है तथा एक और जमीन भी कंपनी की है जो फरसिया वंशी नगर गाठा संख्या 131 है, जो कि पलिया तहसील में कंपनी के नाम दर्ज है, जिसको उचित कार्यवाही कर कुछ ऐसा किया जाए जिससे निवेशकों का पैसा उन्हें वापस किया जाए। वहीं ज्ञापनकर्ताओं ने बताया कि पलिया क्षेत्र में लगभग 8 से अधिक ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो कि RDFD कोऑपरेटिव सोसाइटी व रियल एस्टेट के नाम से लोगों का पैसा जमा कर रही हैं, जिनकी जांच कर सुनिश्चित किया जाए कि वह RBI व सेवी के मानकों के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं, जिससे आगे किसी निवेशक को हमारी तरह अपना जमा धन पाने के लिए भटकना ना पड़े। ज्ञापनदाताओं ने कहा कि जनता का पैसा लूट कर भागने वाली कंपनियों व अभी चल रही ऐसी कंपनियों की जांच कर कार्यवाही नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें परिवार सहित तहसील प्रांगण में ही धरने पर बैठना पड़ेगा। मेरा नाम अरविंद द्विवेदी है, मैं पलिया कलियर पे रहने वाला हूँ। यहाँ एक इंफोकेयर कंपनी आई थी जो लगभग लगभग 16 ऑफिस हमारे यहाँ खुले थे उसके, और 10 मार्च 2018 को सारी भाग गई। कुछ लोगों के पैसा उसमें, कुछ लोगों के, बहुत लोगों के उसमें पैसा जमा थे, करोड़ों रुपये जमा है उसमें। और कंपनी हम लोगों आज लोग आज टाटा टाटा पढ़ाते हुए आए थे, तमाम दिनों से हर चीज़ चेकें पकड़ा दी, जो चेकें हम लोगों ने जमा की वो बाउंस हो गई। उसको लेकर हमने 2 बार यहाँ पर ज्ञापन दिया था, FIR लिखवाई थी, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमें पता लगा कि यहाँ माननीय जो है जिलाधिकारी महोदय नई आई है, तो हमने कहा उनको भी एक ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन मिला है उनसे आपको? उनसे हमें आश्वासन मिला है, उन्होंने हमें बताया कि अब हम भी आए हैं, आपने हमें ज्ञापन दिया है, हम इस पर त्वरित कार्रवाई और अच्छी कार्रवाई करेंगे, आपको जो है सेटिस्फाई करेंगे। उन्होंने हमारा फ़ोन नंबर ले लिया है और हमने उनसे एक डिमांड और रखी है कि पलिया कला में इस समय कम से कम 8-10 कंपनियाँ जो फर्जी चल रही हैं, हम उनको फर्जी नहीं कहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनकी भी एक बार इंक्वायरी हो, उनकी भी जांच और जांच हो, अगर वो कंपनियां सही हैं तो सब कंपनियां चलाई जाएं, अन्यथा उनको भी बंद किया जाए, उनको भी बंद किया और जाए। बंद नहीं होगा तो आगे चल के हमारे क्षेत्र का पैसा फिर वो लेकर भाग जाएंगे और हमारे जैसे बेरोजगार लोग फिर धक्के खाते घूमेंगे इधर उधर कहीं कुछ नहीं। तहसील क्षेत्र में आपका कितना पैसा इन्फोकेयर या जो आप कंपनी बता रहे हैं उसमें निवेश है, निवेशकों का कितना पैसा आप लोगों ने जमा कराया? लगभग 20 करोड़ से ऊपर क्योंकि 16 कंपनियों से हम पैसा कर जमा कर रहे थे। 16 ब्रांचें थी और लखीमपुर खीरी में 2 ब्रांचें, एक सीतापुर में थी, दो एक शाहजहाँपुर में थी, लेकिन एक रात में सारी भाग गई। तो हमें हमारे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से हम 20 करोड़ से ऊपर हमारा पैसा यहाँ से जा चुका। अच्छा, और क्या मामला है? कोई यहाँ पे पूंजी या कोई जमीन या इस तरीके से कुछ कंपनी की है यहाँ पे या नहीं है? हाँ जी, यहाँ पर करीब 5 एकड़ जमीन यहाँ पर लिया है, जो कि 1.5 एकड़ बंसी नगर में है, डेढ़ बीघा जमीन बंसी नगर में है और 3.5 एकड़ जमीन यहाँ एटपुर में है, और बाकी लखीमपुर में जो जमीन है वो विवादित कंपनी कह रही है कि हमने पैसा दे दिया, लेकिन जो जिसने अपनी ज़मीन दी थी लखीमपुर में वो कलानी बंधु हैं, उन्होंने कहा कि हमको पैसा मिले नहीं, तो वो कंपनी के नाम रजिस्टर्ड नहीं हुई ज़मीन। हम ये चाहते हैं कि उसको भी एक इंक्लूड करके और ये ज़मीन जो यहाँ पर है वो हम लोगों के हवाले कर दी जाए, ताकि हम उसमें से जो अभी हमारा इस कार्रवाई में खर्चा आ रहा है उससे निकालते रहें। ऐसा हमने उपजिलाधिकारी महोदया से कहा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम ऐसा आपके साथ सहयोग करेंगे, हम आपके साथ पहुँचते हैं सहयोग करेंगे। चलिए, आप देख रहे थे टाइम सिटी न्यूज़, मैं विवेक अकबंशी के साथ। आइए देखते हैं
कि अब इस पे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि जैसे ये लोग बता रहे हैं कि इससे पहले भी ये दो बार इसी तरीके के ज्ञापन दे चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी तेज तर्रार उप जिलाधिकारी महोदया इस पे तुरंत कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगी और इनको न्याय दिलाएंगी। वहीं उप जिलाधिकारी ने ज्ञापनदाताओं को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। साथ ही पलिया क्षेत्र में चल रही ऐसी कंपनियों की सूची मांगी है जिसमें उनकी जांच की जा सके। उन्होंने कहा अगर कोई कंपनी नियम के अनुसार कार्य कर रही है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में आज तीसरी बार ज्ञापन देते हुए ज्ञापनदाता रईस अहमद सावरी, अरविंद द्विवेदी, प्रमोद श्रीवास्तव, विनोद राठौर, सफी अहमद, ललित सिकरवार, सिकंदर अली, मुकेश शर्मा, चंद्रभूषण शर्मा, राकेश सक्सेना, साहिद हुसैन, दिनेश राणा, नेहा खालिद, जसबीर फ्लोरा, धर्म सिंह, मंसूब हुसैन, रामनिवास मौर्य, अजय गुप्ता आदि लोग काफी संख्या में जमा हो उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कार्यवाही की मांग की है। टाइम्स 18 न्यूज के लिए पलिया लखीमपुर खीरी से विवेक अरकुवंशी की रिपोर्ट।